स्वागत है दोस्तों आपका नॉलेज इंडिया में। दोस्तों अब तक आपने कई ऐसी टेक्नोलॉजीज के बारे में सुना होगा जो वक्त से आगे चलकर इंसान के जीवन को बहुत आसान बनाने जा रहे हैं, जैसे वॉइस ऑपरेटिंग सिस्टम, सीरी या एलेक्सा। लेकिन बीते दिनों इस टेक्नोलॉजी ने दुनिया में खलबली मचाते हुए कुछ ऐसा कर दिया। कहा जा रहा है कि आने वाले 2 सालों में गूगल का नाम और निशान खत्म हो सकता है, क्योंकि चैट जीपीटी नाम के एक एआई के पास ऐसी क्वालिटी है कि जो वो कर सकता है जो आप कहेंगे। हो सकता है कि आपको ये बात मजाक लग रही हो, तो चलिए इसे थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। दरअसल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई पर काम करने वाली कंपनी ओपन एआई ने एक नया चैटबॉट बनाया है। चैटबॉट यानी कि एक तरह से कहे तो मशीन से चैट करना। लेकिन सबसे खास बात यह है कि इसमें आपको इंसान से बात करने जैसी फीलिंग आएगी। और ऐसा ही हॉलीवुड की एक फिल्म हर में भी दिखाया गया था कि उसमें मेन कैरेक्टर एक ऐसे ही बॉट से बात करता है और उससे प्यार कर बैठता है। और अब उसी फिल्म की कहानी हकीकत बन चुकी है और इस हकीकत का नाम है चैट जीपीटी, यानी कि चैट जनरेटेड प्रिटेंड ट्रांसफॉर्म। ये कॉन्वर्जेशनल एआई है, एक ऐसा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जिसके साथ आप इंसानों की तरह बातचीत कर सकते हैं। यानी कि आप उससे जब भी कुछ पूछोगे तो वो इंसानों की तरह हर बात का जवाब डिटेल में लिखकर आपको स्क्रीन पर देगा, और ये जवाब काफी ज्यादा एक्यूरेट होगा। इसे 30 नवंबर 2022 को लॉन्च किया गया है। अब अगर आपको बताए, ओपन एआई उन कई कंपनियों, लैब्स और इंडिपेंडेंट रिसर्चर में शामिल है जो बेहद ही ज्यादा मॉडर्न चैटबॉट बनाने पर काम कर रहे हैं। ये एलेक्सा या सीरी जैसी डिजिटल असिस्टेंट की तरह काम करेंगे, लोगों की बातों को अच्छी तरह से समझ सकेंगे और ज्यादा से ज्यादा काम कम वक्त में निपटा सकेंगे। यूजर्स को भरोसा है कि नए चैटबॉट्स गूगल या बिंग जैसे इंटरनेट सर्च इंजन्स की जगह ले सकते हैं, क्योंकि लोगों को जो कुछ भी जानना होगा वो लोग सीधा इन्हीं से पूछ लेंगे और उस चीज की एक्यूरेट डिटेल उन्हें आसानी से मिल जाएगी और लगभग हर तरह के सवालों के जवाब उसके पास है। इसीलिए ये बात भी पूछी जा सकती है कि चैट जीपीटी पर आप किस तरीके के सवाल पूछ सकेंगे। तो आपको बता दें कि आप इस पर किसी भी तरीके का सवाल पूछ सकते हैं, यानी कि ईमेल लिखने से लेकर रेज्यूमे तक आप इससे बना सकते हैं। आपकी रील या वीडियो आपको कैसे वायरल करना है, इसका जवाब भी चैट जीपीटी देता है। किसको क्या गिफ्ट दे, अगर आपको सब कुछ समझ नहीं आ रहा है किसको क्या गिफ्ट दे, इस पर भी जीपीटी आपको सजेशंस दे सकता है। इसके अलावा किसी भी स्टूडेंट को ऐसे यानी कि निबंध लिखना हो तो वो तुरंत चैट जीपीटी पर टाइप करेगा राइट एन ऐसे अबाउट एनीथिंग। इसके बाद दोस्तों स्क्रीन पर एक अलग ही ऐसे आ जाएगा। अगर देखा जाए तो चैट जीपीटी लंबे जवाब की बजाय छोटे और एग्जैक्ट वर्ड्स की पूरी जानकारी देता है। चैट जीपीटी फैक्ट पेश करता है, बिजनेस प्लान्स बनाता है, आपकी सीवी तक तैयार करता है और नए नए आइडियाज देता है। और इन सारी चीजों को करने के लिए आपको पहले पैसे देने पड़ते थे या आपको अपना दिमाग लगाकर उस चीज पर मेहनत करनी पड़ती थी। ओपन एआई के सीईओ सैम ऑल्टमैन बताते हैं कि ये चैट जीपीटी का शुरुआती डेमो वर्जन है। जल्दी आपको इस पर हेल्पफुल असिस्टेंट मिलेंगे जो आपसे बात कर आपके सवालों के जवाब देने का, इसके साथ साथ आपको सजेशंस भी देंगे। इसके तहत ओपन एआई ने अपनी वेबसाइट पर पूरी डिटेल में इसके बारे में जानकारी दी है। इसमें बताया गया है कि चैटबॉट को इंटरनेट से टेक्स्ट डेटाबेस का इस्तेमाल करके ट्रेंड किया गया है। इसमें बुक्स, वेब टेक्स्ट, विकिपीडिया आर्टिकल्स और इंटरनेट पर मौजूद 570 GB डेटा को फीड किया गया है। इसके फैक्ट्स को और भी ज्यादा एक्यूरेट बनाने के लिए सिस्टम में करीब 300 बिलियन वर्ड्स डाले गए हैं। इसीलिए तो फीचर्स ऐसे हैं कि आप चैटबॉट से कुछ पूछते हो तो वो पहले ही प्रिडिक्ट कर लेगा कि आपके आगे के क्वेश्चंस क्या हो सकते हैं। यहाँ पर इसमें कई सारे इनपुट्स दिए गए हैं, जैसे कि अगर कि आप सवाल पूछते हैं कि हाथी का वजन कितना होता है, तो चैट जीपीटी में इस सवाल का सही जवाब फीड किया गया है। पर लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हर बार वो सही जवाब ही बताए, इसलिए वो गलत जवाब देता है। तो एआई ट्रांसजर दोबारा से इस सिस्टम में सही जवाब फीड करेंगे और इसे सही जवाब देना सिखाते हैं। इसे आप मशीन लर्निंग भी कह सकते हैं। लेकिन आपको बता दें कि अभी अभी मौजूद बीटा टाइप चैट जीपीटी में 2021 तक की ही इन्फॉर्मेशन फीड की गई है, इसलिए आपको इसके बाद के वक्त की जानकारी यहाँ पर नहीं मिल पाएगी। जैसा कि आप इससे इस वक्त के करंट अफेयर्स के बारे में सवाल पूछोगे तो इसके लिए उसके पास कोई भी जवाब नहीं होगा। अब बतौर हिंदी भाषा सवाल ये भी है कि चैट जीपीटी हिंदी में भी जवाब देता है। तो दोस्तों चैट जीपीटी हिंदी में भी जवाब देता है, लेकिन भाषा और फैक्ट्स अंग्रेजी की तरह एक्यूरेट नहीं है। गूगल पर आप जब सर्च करते हैं तो वो आपको इंटरनेट पर मौजूद उससे जुड़े कई सारे लिंक्स देता है। वही चैट जीपीटी इससे कई गुना
ज्यादा एडवांस है। यहाँ पर जब भी आप कोई सर्च करते हैं तो उससे जुड़ी स्पेसिफिक जानकारी ही आपके सामने आती है, बल्कि कोई लिंक नहीं। यानी कि वो इंटरनेट पर सर्च नहीं करता, बल्कि उसके पास मौजूदा डेटा में से वो जानकारी देता है जो आपके लिए सबसे ज्यादा सही है और जरूरी है। गूगल पर जब आप मेसी के बारे में सर्च करोगे तो आपको मेसी से जुड़ी खबरों के लिंक मिलेंगे, लेकिन मेसी के बारे में जब आप चैट जीपीटी पर सर्च करोगे तो फिर मेसी के बारे में आपको डिटेल में जानकारी मिलेगी, और वो भी बिना किसी लिंक पर जाए। इसी तरह से चैट बॉट पर किसी टॉपिक जैसे नेचर पर पोयम लिखने के लिए कहेंगे तो वो उस टॉपिक पर पोयम लिख देगा। वही ये सर्च आप गूगल पर करोगे तो आपको अलग अलग कई पोयम्स का लिंक मिल जाएगा। इसी तरह से गूगल को आप कहते हैं, मतलब उस पर सर्च करते हैं कि वो आपकी सीवी बनाकर दे दे, तो गूगल आपको टेम्पलेट्स बनाने वाली वेबसाइट्स का लिंक दे देगा। वही जब आप चैट जीपीटी से सीवी बनाने के लिए कहेंगे तो वो आपके सब्जेक्ट के मुताबिक पूरी की पूरी सीवी तैयार कर देगा। अब सवाल ये उठता है कि क्या ये आने वाले सालों में ऐसी ही चीजों के बारे में जानकारी देता रहेगा जो क्राइम को बढ़ावा देगा? तो इसका जवाब है नहीं। दोस्तों, ये किसी शख्स की पहचान तो नहीं कर सकता है, लेकिन इन अप्रोप्रिएट रिक्वेस्ट को रिजेक्ट कर सकता है ताकि क्राइम करने वाले इसका इस्तेमाल गैर कानूनी चीजों को बनाने में ना कर सके। अब अगर ऐसा है तो क्या चैट जीपीटी के आ जाने से गूगल पूरी तरह से खत्म हो जाएगा? तो दोस्तों, इसके बारे में कहना इस वक्त काफी ज्यादा जल्दबाजी होगी। हालांकि कई टेक एक्सपर्ट्स ऐसा प्रेडिक्शन कर रहे हैं। जीमेल बनाने वाले पॉल बुचेट ने ट्वीट करके कहा कि चैट जीपीटी के आ जाने से गूगल हो सकता है कि 1 से 2 सालों में खत्म हो जाएगा। एआई बॉट्स गूगल के सर्च इंजन के रिजल्ट पेज को खत्म कर देंगे, यहाँ तक कि अगर वे खुद भी एआई को लाते हैं तो भी उनके बिजनेस का ज्यादातर हिस्सा खत्म हो चुका होगा। गूगल पर लगभग हर दिन 8.5 बिलियन चीजें सर्च की जाती है, यानी कि हर सेकंड में लगभग 99,000 सर्चेस होती है। एवरेज के हिसाब से हर इंसान गूगल पर हर रोज 3 या 4 बार कोई चीज सर्च करता है। दूसरी बात, चैट जीपीटी के पास जवाब देने की लिमिटेशंस है, साथ ही इसके पास लैक ऑफ ऑप्शंस है। वही गूगल आपको एक ही कैटेगरी में कई सारे ऑल्टरनेटिव्स देता है, जैसे आर्टिकल्स, वेबसाइट लिंक्स, न्यूज, फोटोज और वीडियोज। ऐसे में गूगल का ऑल्टरनेटिव बनने के लिए इसे अभी काफी ज्यादा लंबा सफर तय करना पड़ेगा। अब अगर बात करें कि चैट जीपीटी को किसने बनाया है, तो दोस्तों आपको बता दें कि इसे सैम ऑल्टमैन ने स्पेसएक्स के मालिक एलोन मस्क के साथ मिलकर 2015 में इंडिपेंडेंट रिसर्च बॉडी ओपन एआई को बनाया था। उस वक्त एक ब्लॉग पोस्ट में कहा गया था कि डिजिटल इंटेलिजेंस को इस तरह से आगे बढ़ाए जिससे मानवता को सबसे ज्यादा लाभ मिले। एलोन मस्क ने फरवरी 2018 में कंपनी के बोर्ड से इस्तीफा दे दिया था, लेकिन स्टेक होल्डर बने रहे। फिर 2019 में माइक्रोसॉफ्ट ने ओपन एआई में $1 बिलियन यानी कि लगभग 83,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट किया, जिसके बाद से ही इस पर लोगों की नजर बन गई थी। अब अगर बात फीस और चार्जेस की करें तो फिलहाल तो आप इससे फ्री में ही सवाल पूछ सकते हैं। हालांकि ओपन एआई के सीईओ ने सैम ऑल्टमैन ने कहा कि हमें कुछ समय के बाद इसे मोनेटाइज करना होगा, यानी कि इस सर्विस के पैसे लेने होंगे, क्योंकि हमने इसमें काफी ज्यादा इन्वेस्टमेंट की है और इसमें बहुत सारे इन्वेस्टर्स का पैसा लगा है। जो काम अभी तक इंसान करता था वो अब चैट जीपीटी कर सकेगा, जैसे कि किसी भी चीज की प्लानिंग, सीवी बनाना, मेल करना, यहाँ तक कि ये एआई कोडिंग भी लिख सकता है। ये सारी चीजें चैट जीपीटी बहुत आसानी से कर सकता है, और वो भी कुछ ही सेकंड्स में। लेकिन इसके साथ ही कई सारी लिमिटेशंस भी है। कोई भी टेक्नोलॉजी 100% फुल प्रूफ नहीं होती है। हो सकता है कि कई बार यहाँ पर जो जानकारी मिले वो बायस्ड हो, या फिर कई बार इसके जवाब गलत हो सकते हैं। कोई भी एआई चैटबॉट डेटा पर ही काम करता है, यानी कि जो इंसान डेटा फीड कर रहा है वो अगर किसी चीज के प्रति बायस्ड हो तो आपको ओवरऑल रिजल्ट ही बायस्ड मिलेगा। हो सकता है कि कई बार कुछ सवालों के जवाब बिना सेंस वाले मिल सकते हैं। देखा जाए तो ये काफी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है, लेकिन इसमें भी कई सारी कमियां है। कई बार ये सवालों का जवाब काफी हद तक अच्छी तरीके से दे सकता है, लेकिन कई बार इसके अंदर कॉन्टेक्स्ट और सब्सटेंस मिसिंग होते हैं। इसीलिए ऐसा कहना अभी ये जल्दबाजी होगी कि ये इंसानों को रिप्लेस कर देगा और लोगों को अपनी जॉब खोनी पड़ेगी। अगर आपके मन में अभी ये सवाल उठ रहा हो, क्या ये सबके लिए होगा, तो दोस्तों जवाब है हाँ। आपको बता दे कि अभी ये सभी यूजर्स के लिए बीटा फॉर्म में ओपन है। इसके लिए आपको सबसे पहले
openai.com पर जाना है। इसके बाद एक पेज ओपन होगा, उसके बाद ऊपर की विंडो में ट्रायल लिखा होगा, उस पर आपको क्लिक करना होगा। इसके बाद एक नया पेज खुलेगा, यहाँ पर आपको साइन अप करना होगा, यानी आपको अपनी ईमेल आईडी डालनी होगी, फिर आपको एक पासवर्ड सेट करना होगा, फिर इसी के साथ आप एक नई दुनिया में घुस जाएंगे। दोस्तों अगर आप इस चीज को ट्राई करते हैं या आपने ऑलरेडी इसे ट्राई किया हुआ है तो आप अपना किया हुआ एक्सपेरिमेंट नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें, और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें, और अगर इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाकर ऑल जरूर करें ऐसे ही नॉलेजेबल और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस की नोटिफिकेशंस पहले पाने के लिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक ध्यान रखिए अपना। जय हिंद, जय भारत।